प्यारे बच्चों, हिंदी में जो आपके व्याकरण पुस्तक है उसमें हमारा अध्याय 2 चल रहा था, जो था वर्ण विन्यास, ठीक है। और हमने इसमें पृष्ठ संख्या 14 और 15 पढ़ ली थी। अब हम पृष्ठ संख्या 16 पढ़ेंगे। ध्यान से आप अपनी पुस्तक देखिएगा। हमने जैसे स्वर पढ़ लिए थे, आगे बढ़ते हैं देव स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, यानी ज्यादा टाइम लगता है, लगभग दुगना, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, अ, ठीक है। दूसरा है हमारा व्यंजन व्यंजन। हिंदी के सभी व्यंजन अ के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे के साथ ही हम उन्हें बोलते हैं, जैसे हमने क बोलते, तो क के साथ हमारी ध्वनि जो दूसरी आ रही है क आ रही है, हम क्या क जमा क के नीचे आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बोलते समय वायु प्रवाह से क
उनके दो भेद हैं, पहला अहंकार है अघोष। इन कलियों के चरण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग वर्ण तथा श स स अघोष प्रत्येक वर्ग के उन्हें वर्ग बताए थे किसी आपको जैसे क ख च छ त थ त थ व व श स स ठीक है सघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा व्यंजन और य र ल व ख सघोष। जैसे ग का वर्ग में गा कौन सा नंबर पर आया तीसरा, चौथे नंबर पर क्या आया घ, पांचवे नंबर पर क्या आया हम। प्रत्येक वर्ग ठीक है, छ वर्ग में दूसरा तीन क्या आया तीसरा नंबर ज, ठीक है। तो तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन जो होगा उसके साथ य र ल व श अथ क्या होंगे सघोष ठीक है। तो ये तो थे आपके संयुक्त व्यंजन और उनका अन्य जो है वर्गीकरण है अघोष और सघोष। अब आए स्वरों की मात्राएं। स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है जैसे आ आए आ, पर व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन जो है उनके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जाते बिल्कुल। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तब स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। ये नहीं है कि हमने अगर उस शब्द को लिखा है तो हम उस अक्षर को यानी स्वर को हम लिख देंगे उसके साथ, ऐसा नहीं। अब देखिए इसमें स्वरों की मात्राएं जो है वो इस प्रकार है, तालिका दी गई है प्रश्न संख्या 17 पर। इसमें स्वर है, मात्रा है, मात्रा सहित व्यंजन है और फिर शब्द। जैसे अ मात्रा कोई नहीं लगी रही, कल और कोई मात्रा नहीं आई इसमें। आ आ में किसकी मात्रा आई, आ की मात्रा, क्योंकि दोनों आ मिला करके आ बन जाते हैं। आ की मात्रा आ गई का काम और मा, आ की मात्रा आई इसे ई, ई में हमने छोटी की मात्रा गई बाई रूप से कि किस और बिन। फिर ई ई आई जैसे कि हम बोल रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं बड़ी की मात्रा की, ई से क्या बना शब्द जैसे आगे से लिखा हुआ है कि दीन उ छोटा छोटों की मात्रा उ कुल असू। अब इसमें आपको पता चल रहा होगा कि विश्व स्वर और दीर्घ स्वर, विश्व स्वर में कम समय लगता है उच्चारण करते समय और दीर्घ स्वर में ज्यादा समय लगता है। इसी तरह से हमें मात्राओं का ज्ञान मिलता है। जब हम आपको श्रुत लेके करते हैं इंग्लिश में भी आपको प्रिपरेशन मिल जाती है, इंग्लिश में होता है ना होता है